नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो में आपके सामने आए आपकी एक मुश्किल को आसान करने के लिए। वह मुश्किल ये है कि हमारे परिवार की महिलाएं जब उनमें डिलीवरी होती है, उसके बाद वह बच्चे को फीड कराती हैं, तो कुछ ज़्यादा ही उनके मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है और यह ज़्यादा प्रोडक्शन उनको कमज़ोर करता जाता है। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं आती हैं जो आपके ओवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को ख़त्म करके आपको कमज़ोर होने से बचाएंगी, ताकि आप लंबे समय तक बच्चे को फीड करा पाएँ, 18-20 महीने तक फीड करा पाएँ और उसमें पैसिव इम्यूनिटी को डिवेलप करके उसको जो है इस समाज में जो रोज़ नए नए इन्फेक्शन आ रहे हैं। आज हम यह वीडियो बना रहे हैं तो एक कोरोना वायरस की बहुत चर्चा है, हम भी बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो उन सब परेशानियों से आपके बच्चों को बचाने में आप स्वयं मदद करेंगी। आपको बताते हैं साथियों, जो मिल्क का ओवर प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है आपको कि वो वेस्ट हो रहा है, बच्चे का पेट भर जाता है लेकिन आपके मिल्क बहता रहता है, आपके दूध बहता रहता है, उसको रिड्यूस करने की दवाएं। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे, आपको बताते हैं जिस पर तीन कारगर होम्योपैथिक दवाएं आपके मिल्क प्रोडक्शन को बॉडी में रिड्यूस करने की, बच्चे को फीड कराने के लिए। दवाएं बताने से पहले साथियों यह बता दें कि हाँ, आपकी जानकारी के लिए दवाएं बताई जा रही हैं, कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपकी मुश्किलें आसान करने की तीन कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में आती है आपके मिल्क सप्लाई को रिड्यूस करने की, मैं रोकने को नहीं कह रहा हूँ, रिड्यूस करने को, कम करने की बात कर रहा हूँ, कम करने की, वह है लैक वैक डीफ्लोरेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वह महिला ले सकती है जिसको कि आफ्टर डिलीवरी मिल्क का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वह उससे परेशान हो गई है, उससे वीक हो गई है। यह दवा मिल्क सप्लाई को थोड़ा रिड्यूस करके आपके जीवन को सामान्य बनाने में मदद करेगी। एक दवा और बहुत अच्छी आती है जो अगर आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको सामान्य करने की, और वह है लैक कैन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकती हैं। अगर आपका मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके बॉडी में और वह वेस्ट हो रहा है, यह उसको कम करके आपको वीक होने से बचाएगी और आपको ज़्यादा दिन तक बच्चे को फीड कराने में मदद करेगी। लैक कैन का साथियों एक और सिम्टम है, लैक कैन का मरीज की याददाश्त कमज़ोर होती है और कंसंट्रेशन बहुत ख़राब होता है, तो अगर यह दो सिम्टम भी आप अपने में पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि यह दवा आप ही के लिए बनी है करेगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी उस प्रयास के तहत, आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के दिवस के अवसर पर, महिलाओं के सम्मान के दिवस के अवसर पर, कि वह अपने आने वाली पीढ़ी को और मजबूत बना पाएँ, 12 साल तक एटलीस्ट पैसिव इम्यूनिटी जो कि माँ के मिल्क से बच्चे को जाती है, डेवलप होती है कीटाणुओं से लड़ने की, उसको डेवलप करने की, उसे ज़्यादा लंबे समय तक फिट कराने के लिए हेल्प करने की, और जो मिल्क आपका वेस्ट हो रहा है उसको बचाए रखने की, जो आपको लंबे समय तक मदद करेंगी। दवाएं साथियों क्योंकि आप फिजियोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं तो किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल पे व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको आपकी बात का सही जवाब, संतोषजनक जवाब दे पाए। वीडियो साथियों अगर आपको समाज हित में लगा हो तो वो महिलाएं जो परेशान हैं उनकी खातिर इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारी खातिर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग हमको भी थोड़ा जान जाएं जो नहीं जानते हैं, और होम्योपैथी की खातिर इस वीडियो को शेयर करिएगा कि होम्योपैथी आगे बढ़े। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथी और इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।